मीरा को गिरधर लाल से केवल प्रीति नहीं है, मीरा को गिरधर लाल की सामर्थ्य की प्रतीति भी है, तभी कहती है हाँ नहीं पूजी गौरा जी, नहीं पूजा अणदेव, हाँ पूजी रणछोड़ जीत, हमें कहीं जानो भेव, प्रतीति है। तो श्री काक भुसुंडी कह रहे हैं, हे बक्षीराज ध्यान से सुनिए, प्रभु की कृपा के बिना प्रभु की प्रभुता नहीं जानी जाती। जाने बिन ना होई परतीति, बिन परतीति हो ही नहीं प्रीति। और जब तक किसी को ठीक प्रकार से, भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से आप जानते ही नहीं हो, तब तक प्रीति कैसे हो सकती है। आज तो भाई बड़ी विपरीत परिस्थिति है। आज तो मोबाइल पर फोटो देखकर प्रेम हो जाता है, हर रोज हो जाता है, नए नए लोगों से हो जाता है। पर यहां कह रहे हैं कि जाने बिन नहीं होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। हमारी श्री जी के चरणों में प्रीति हो, उससे पहले दीर्घ काल के साधन और सत्संग के प्रसाद स्वरूप श्री जी के स्वरूप की प्रतीति हो। व्यास जी को प्रतीति हुई, इसीलिए तृणवत वो सारा वैभव, वो सारी संपदा समृद्धि, मान सम्मान, वो यश, वो कीर्ति सब ठोकर मारकर और एक क्षण में निश्चय कर लिया कि यही परम विश्राम है। प्रतीति हो गई, गुरु की कृपा से प्रतीति हो गई, महाप्रभु जी ने दिखा दिया वृंदावन का वैभव। तब तो कहा है अब मैं वृंदावन धन पायो, अब हमको धन मिला है, अब हम समृद्ध हो गए, अब मैं वृंदावन धन पायो। ये अब शब्द जो है ना, संतों की वाणी में जब जब अब शब्द का प्रयोग हुआ है, इसका वो ध्यान से चिंतन करना। अब कोई बड़े साधन के बाद, बड़े काल के बाद भाई अब ये अवसर आया है, अब मैं वृंदावन धन पायो, गुरु की कृपा से प्रतीति हुई, महाप्रभु जी ने दिखा दिया वृंदावन के वैभव का दर्शन करा दिया। तो व्यास जी को लगा, अरे सोवत हो तो विषय मंदिर में, जिसको हम माल खजाना समझ रहे थे, जिसको हम संपदा समझ रहे थे, जिसको हम संपत्ति समझ रहे थे, वही हमारे सर पर आज तक विपत्ति बनी हुई थी, अपना जीवन नष्ट कर रहे थे हम। अब मैं वृंदावन धन पायो, सोवत हो तो विषय मंदिर में, हित गुरु टेर जगायो। तो यहां से क्रम आरंभ किया है श्री काक भुसुंडी जी ने कि राम कृपा बिन सुन खगराई, जानी न जाए राम प्रभुताई, और जाने बिन नहीं होई प्रतीति। देखो जब तक आपको इस बात का बोध न हो जाए कि आपका इष्ट, आपका आराध्य कितना समर्थ है, कुंभन दास जी को प्रतीति है, गिरधर लाल के वैभव की, गिरधर लाल के स्वरूप की, स्वभाव की प्रतीति है। इसलिए अकबर की आंख में आंख डालकर कह रहे हैं, अरे जाको मुख देखे दुख लागे, ताको करनी परी प्रणाम, कुंभन दास लाल गिरधर बिन सब जग झूठो दाम, भगत को कहा सीकरी का। ये प्रतीति है, ये प्रतीति की उद्घोषणा है। जब कोई जान लेता है कि वो कितना समर्थ है, तभी तो भक्त, तभी तो सेवक निर्भय होता है। अंगद जी को प्रतीति है कि मैं श्री राम का दूत हूं, मेरी प्रतिज्ञा को टालने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। अंगद जानते हैं कि शिव का त्रिशूल हो या विष्णु का सुदर्शन चक्र, पर श्री राम के दूत का अहित कोई नहीं कर सकता। ये प्रतीति है, यही जीवन में निर्भयता लाती है, यही जीवन में निश्चिंतता लाती है। पर जाने बिन नहीं हुई प्रतीति, लेकिन बिना जाने प्रतीति नहीं होती। और जाना कैसे जाता है प्रभु को, राम कृपा बिन सुन खगराई, जानी न जाए राम प्रभु। प्रभु कृपा करें।